पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है ताकि किसी भी तरह के बाद में सवाल न उठाए जाएं। अस्पताल के बाहर भारी सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं और ऐसे में जबकि मुख्तार अंसारी की अब मौत हो चुकी है, जहां आरोप प्रत्यारोप की भी बात आ रही है सामने, वही पोस्टमार्टम चल रहा है। और अब खास बात यह है कि 5 डॉक्टर्स की एक पूरी टीम पोस्टमार्टम कर रही है और खास बात यह कि पोस्टमार्टम की बकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है और किसी भी तरह की कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए अस्पताल के बाहर भारी सुरक्षा के इंतजाम हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित गंजू हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, पोस्टमार्टम जारी है और किस तरह के इंतजाम, आगे किस तरह की व्यवस्था और जारी रहेगी जिसके बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई हो? देखिए प्रशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि कल मुख्तार की हार्ट अटैक से मौत हुई, उसके बाद से सवाल खड़े होने लगे। उसके परिजनों का ये कहना था, किसी कहना जहर दिया, किसी कुछ, इन सब पर अंकुश और विराम लगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी पूरी कमर कस ली है। इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर, यही वो जगह है जहां पीएम चल रहा है। इस पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, 3 लेयर सिक्योरिटी लगवाई गई है। ये SSB के जवान है, इसके पीछे पुलिस के PAC, उसके पीछे पुलिस और जो शव वाहन है वो पहुंच चुका है। इस शव वाहन के साथ 26 वाहन यहां से 420 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इसका प्लान ए प्लान बी दो तैयार किए गए थे। प्लान ए जो एक रास्ता था वो फतेहपुर से होते हुए इलाहाबाद प्रयाग होते हुए पूरा यहां तक कि वाराणसी होते हुए इसको पूरा गाजीपुर तक आता, और प्लान जो बी था उस पर पूरी मोहर लग चुकी है। यहां से बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे होते हुए इस रास्ते को पहुंचा जाएगा। ऐसे 420 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है जिसमें 8 घंटे का, लेकिन अभी क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है 1 से 1.5 घंटे का समय और लग सकता है, क्योंकि कुछ पेपर वर्क था पहले जिस उम्र का इंतजार हो रहा था उसको 7:30 पर यहां आना था, मगर वो यहां 8:15 के आसपास पहुंचा और उसके बाद फिर यहां चालू हुआ। 9 लोगों को टोटल परमिशन अंदर मिली है। अगर 9 लोगों की बात की जाए तो 5 डॉक्टर्स हैं जिसमें एक सर्जन है, एक फिजिशियन है, इसके अलावा 3 वो डॉक्टर्स हैं जो इस पर ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, 2 कैमरामैन उसमें मौजूद हैं, उमर खुद मौजूद है, यानी पूरी इसकी वीडियोग्राफी भी हो रही है अमित, ताकि कोई सवाल बाद में खड़े ना हो। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, सुरक्षा इंतजाम उसके लिए किए गए हैं, और इन तमाम खड़े हो रहे सवालों का जवाब मिल सके उसके लिए किस तरह की बात और प्रशासन की ओर से तैयारी? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा, इसको लेकर कि किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब न करे, प्रशासन ने जहां एक और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, 3 सदस्यीय टीम उसकी गठित कर दी गई, जिसमें एक पुलिस का अधिकारी है, एक मजिस्ट्रेट लेवल के SDM लेवल के ऑफिसर है और एक अधिकारी और रखा गया। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 3 लोगों की पूरी टीम तैयार है, वो अपना पेपर वर्क कर रही। इसके अलावा क्योंकि ये जुडिशियल कस्टडी डेथ है तो कहीं ना कहीं आगे कोई सवाल ना हो, क्योंकि ये मामला जिस तरह इसके परिजन बता रहे हैं, इसका बेटे बता रहे हैं, कई कुछ कह रहे हैं, हाईकोर्ट जाएंगे, कुछ कहेंगे जजेस की एक पूरे पैनल टीम का, कुछ का कहना है सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाएंगे, एक लंबी इनके पास एक सवाल की छड़ी है, मगर उन पर। और वही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के शव को दफनाने की तैयारियां भी हो रही है। कलीपुर कब्रिस्तान के पास में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कब्रिस्तान के बाहर और अंदर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, किस तरह से पुरदे खाक करने के लिए अब ये तैयारियां की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के शव को दफनाने की ये तैयारियां हो रही है, जहां एक तरफ पोस्टमार्टम चल रहा है वहीं दफनाने के लिए भी तैयारी। वहीं एक और बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुख्तार पर, इस वक्त की ये बेहद अहम खबर, मुख्तार की मौत से पहले की बातचीत भी सामने आई है। मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे उमर अंसारी से बातचीत की थी और जेल के फोन से मुख्तार के बेटे उमर से उसकी बातचीत भी हुई थी और ये पूरी बातचीत है मुख्तार की मौत से ठीक पहले की। जेल के ही फोन से अपने बेटे से उसने बातचीत की थी। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने में नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डर आ रही है। रुकी, उमर लाइन पे है आप? हेलो अजी पापा, अस्सलामुअलैकुम, आप ठीक हैं? बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद, आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में, देखा हमने जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही है, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली
अदालत में है, हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। दो दिन चार दिन पाँच दिन आओ ताकि हम बैठ नहीं पा रहे बाबू, और हम समझ रहे हैं बापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके बापा फोन कर लिया करिए रोज, आपका आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। और ये वो बातचीत है मुख्तार अंसारी की जो अपने बेटे से मौत से पहले उन्होंने की। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, बातचीत अपने परिवार के लोगों से फोन पर, खुद जेल के फोन से मुख्तार अंसारी ने की, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इस बातचीत से क्या बात और पता चल रही है? देखिए, ये बातचीत बताया जा रहा है कि जो वायरल है ये ऑडियो दरअसल, और न्यूज 18 इंडिया इस बातचीत की पुष्टि नहीं करता, इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से ये वायरल है बताया यही जा रहा है कि ये जो ऑडियो है ये 26 मार्च के बाद का ऑडियो है, जब मुख्तार अंसारी को यहां से डिस्चार्ज किया गया था और आईसीयू में यहां पर लाकर उन्हें एडमिट किया गया था। 26 मार्च को अचानक वो असहज महसूस किए, पेट में दर्द की। अमित, हम अपने दर्शकों को फिर एक बार वो कन्वर्सेशन सुनाते हैं मुख्तार अंसारी ने जो अपने परिवार से की है और अपने बेटों से जो उनकी आखिरी बात हुई है, जो माना जा रहा है, वो दर्शकों को हम एक बार फिर सुनाते हैं अपने बेटे उमर अंसारी से फोन पर उनकी जेल से हुई बातचीत। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डर आ रही है। रुकी, उमर लाइन पे है आप? हेलो जी बापा, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद, आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में, देखा हमने जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही है, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डालीबाग वाले को अदालत में है, हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। दो दिन चार दिन पाँच दिन आओ ताकि हम उठ नहीं पा रहे, हम बैठ नहीं पा रहे बाबू, और हम समझ रहे हैं बापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके बापा फोन कर लिया करिए रोज, आपका आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, मुख्तार अंसारी ने अपने परिवार के लोगों से फोन पर बातचीत की, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं मुख्तार अंसारी की मौत पर, लेकिन ये कन्वर्सेशन बताया जा रहा है कि 26 मार्च के बाद का है, और ऐसे में कई सवाल अगर खड़े हो रहे हैं तो क्या इसमें वो अपने परिजनों से कहता हुआ सुनाई दे रहा है, एक बार फिर दर्शकों को सुना दें। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डर आ रही है। रुकी, उमर लाइन पे है आप? हेलो जी बापा, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद, आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में, देखा हमने जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही है, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डालीबाग वाले को अदालत में है, हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग।
दो दिन चार दिन पाँच दिन आउट ताकि हम उठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं पा रहे मामी और हम नहीं हो। हम समझ रहे हैं बापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपसे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके बापा फोन कर लिया करिए रोज, आपका आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज़ सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज़ बहुत डर आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे है आप जी। हेलो जी पापा, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद, आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में देखा हमने, जो आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही है, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डालीबाग वाले को अदालत में है, हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। दो दिन चार दिन पाँच दिन आओ ताकि हम उठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं पा रहे बाबू और हम नहीं हो। हम समझ रहे हैं बापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपसे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके बापा फोन कर लिया करिए रोज, आपका आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज़ सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज़ बहुत डर आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे है आप जी। हेलो जी पापा, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद, आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में देखा हमने, जो आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही है, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डालीबाग वाले अदालत में है, हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। दो दिन चार दिन पाँच दिन आओ ताकि हम उठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं पा रहे बाबू और हम नहीं हो। हम समझ रहे हैं बापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपसे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज, आपका आपकी आवाज़ सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज़ सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज़ बहुत डर आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे है आप जी। हेलो जी पापा, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद, आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में देखा हमने, जो आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही है, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डालीबाग वाले को अदालत में है, हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ पूजा।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कासगंज जेल की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास इस जेल में बंद है। और जानकारी के मुताबिक अब्बास अंसारी अपने पिता के जनाजे में शामिल हो सकता है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अब्बास अंसारी को सीओ के नेतृत्व में पुलिस की स्पेशल टीम गाजीपुर के लिए लेकर निकल सकती है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। अभी तक पोस्टमार्टम जो है वो खत्म नहीं हुआ है मुख्तार अंसारी का।